भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। इनका किसानों से कोई वाकया नहीं, कोई वास्ता नहीं। इन्होंने इरिगेशन की कॉस्ट बढ़ा दी, इन्होंने एमएसपी को डाइल्यूट करने काम किया, मंडी की व्यवस्था खत्म करने का काम किया, इन्होंने किसानों को वल्नरेबल बनाने का काम किया है। कॉन्ट्रैक्चुअल किसानी शुरुआत कराना चाहते हैं ये लोग, जिस लेवल जिस तरीके से किसानों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और आज जब पराली की बात आती है तो पराली निश्चित रूप से उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ इस बात पे मुकदमे लिखाने लगे, कानून में पुलिस को जेल भेजने लगे, किसानों के ऊपर अत्याचार करने लगे, लाठी चार्ज करने लगे, लोगों को बंद करने लगे और उनको डराने और धमकाने लगे कि मुकदमे लिख जाएंगे पराली जलाने के लिए। इससे काम नहीं चलेगा। आप सरकार में आपको यह व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि पराली तो मत जलाओ, ये बात तो सच है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। पॉल्यूशन से इस देश को, प्रदेश को बचाना जरूरी है, धरती को बचाना जरूरी है, लेकिन किसान को ये तो बताइए कि वो करे क्या उसका। आपने क्या कोई ऐसा उसका क्रॉप का रोटेटर वहां पे लगाया, कोई ऐसी मशीन लगाई जो उसका इस्तेमाल कर सके? क्या सरकार ये व्यवस्था बना सकती है कि उसको अक्यूमुलेट करके उसको कागज बनाने का इस्तेमाल ले सके, एमएसएमई सेक्टर में किसी काम में आ जाए? सोल्यूशन नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसानों के खिलाफ काम करती है और किसान को सोल्यूशन नहीं दे रही, सिर्फ किसान को फंसा रही है, किसान के ऊपर मुकदमा लिख रही है, किसान के ऊपर उसके ऊपर पराली जलाने के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। आप सोल्यूशन निकालिए, सोल्यूशन दीजिए, ये हम चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो इसको हम और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।